أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج کے ہمارے لیکچر 9th کلاس میتھمیٹکس 1.3 ایکسرسائز ہمارے پاس اس کا کوشچن نمبر ہمارے پاس ہے 3 آلریڈی ہم کوشچن نمبر 1 اینڈ 2 کر چکے ہیں اس کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے جس نے دیکھا وہ دیکھ لے کوشچن نمبر 3 کہتا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک یہ ہو بی یہ ہو سی یہ ہو ڈی یہ ہو تو دین کیا کرو آپ نے کیا کرنا فائنڈ کرنا معلوم کرنا کیا معلوم کرنا کہ اے پلس बी प्लस का आंसर सी प्लस इसके साथ करेंगे आंसर डी को इसके साथ आंसर प्लस करें तो क्या आंसर आता है तो चलते हैं हम पर क्वेश्चन की तरफ सॉल्यूशन सर ए प्लस ये वाला मैट्रिक्स अब ए की जगह हम क्या लिखेंगे ये तो हम कह सकते हैं ए प्लस वन 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 इस ए की जगह हमने क्या लिखना है ये जो ए की उसने ऊपर वैल्यू बताई कि ए किसके बराबर है इस मैट्रिक्स के तो हम इधर लिखेंगे माइनस वन टू टू वन प्लस ये वाला मैट्रिक्स वन 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 ठीक है देन इसके बाद हमें क्या करना है इन दोनों को करना है एंड सिंपल सा तो हमें पता है कि जब अच्छा एक और बात वैसे इधर इन्होंने नहीं कहा लेकिन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ था कि कोई भी जब मैट्रिक्स हमें दो ऐड करने हो तो उसके लिए एक शर्त हमने पढ़ी थी उसका जो ऑर्डर होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स के होना चाहिए सेम होना चाहिए तो आया देखते हैं हम हालांकि उसने ये नहीं कहा जैसे वैक्सिंग सर ये देखिए इसका ऑर्डर क्या है टू रोज है और टू कॉलम है टू बाई टू और इसका ऑर्डर क्या है टू बाई टू लिहाजा ऑर्डर सेम है तो ये ऐड हो सकते हैं अच्छा अब ऐड करते हैं ऐड में क्या करेंगे हम कि इनकी जो क्रोसपॉन्डिंग एंट्रीज है ना क्रोसपॉन्डिंग एंट्रीज ये हम इसको ऐड करेंगे तो इधर हम लिखते हैं माइनस वन ओके माइनस वन ये वाला प्लस और ये वन आगे टू ये वाला प्लस और ये वन उसके बाद ये टू इस टू का क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री कौन सी है ये वाली तो टू ये वाला प्लस और ये वन आ गया तो लिख दिया हमने अच्छा उसके बाद इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री कौन सी है ये वाली तो वन प्लस ये वन अब ये समझ आ गई होगी कि हम क्या करना चाह रहे हैं तो आगे हम क्या करेंगे कि इसको ऐड करते हैं माइनस वन प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री वन प्लस वन इज इक्वल टू टू ये हमारा आ गया आंसर सिंपल सा नेक्स्ट हमारे पास सेकेंड पार्ट है क्या सेकेंड पार्ट है कहता अगर बी को इस बी को ऐड करें इस मैट्रिक्स के अंदर अब बी की हमारे पास किसकी वैल्यू है ये हमारे पास बी है तो हम इधर लिखते हैं सॉल्यूशन सॉल्यूशन लिखने के बाद हमने इधर लिखना एज इट इज सेम क्वेश्चन माइनस टू थ्री अब इस बी को ये हमारे पास आ जाएगा तो पीछे क्या लिखूँ वन और माइनस वन इसका ये मैट्रिक्स है वन माइनस वन ये वाला प्लस और ये माइनस टू और ये थ्री इसे हमने इन दोनों क्या करना है ऐड करना है क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री के साथ ही ऐड होती हैं तो इसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री ये है और माइनस वन की ये वाली है क्रॉसपॉन्डिंग होती क्या है ये मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है इसका भी इंशाल्लाह लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा तो वन प्लस माइनस टू माइनस वन प्लस ये वाला और ये थ्री आ गया आगे हमने क्या करना है वन प्लस माइनस माइनस टू माइनस वन प्लस थ्री समझ आ रही है ना कि वन अब ये इधर वन एज इट इज आ गया अब प्लस माइनस जब मल्टीप्लाई आपस में तो क्या आ गया माइनस आगे टू आ गया तो बन गया वन माइनस टू अब ये माइनस वन प्लस थ्री प्लस थ्री अब इसको मैं करवाता हूँ क्या आंसर आता है वन माइनस टू में से आंसर आ जाएगा हमारे पास माइनस वन क्योंकि ए ये माइनस है इसके साथ साइन है इसका साइन मतलब क्या होता है
प्लस का, तो जब दो वैल्यू आपस में प्लस एक साथ प्लस लिखा हो एक साथ माइनस लिखा हो तो उसको हम करते माइनस हैं, और साइन उसका जो आता है वो बड़ी रकम से जो साथ होता है वो वाला साइन आता है। इंशाल्लाह इस पर एक लेक्चर बना देंगे, लेकिन अगर कोई नहीं सुनना चाहता इधर ही बता देते हैं। मिसाल के तौर पर एक हमारे पास है ये और ये, सर एक माइनस एक प्लस का साइन है, दो ऊपर जी साइन है एक दूसरे के प्लस और माइनस, तो हम इसको करेंगे क्या माइनस यानी कि तफरी करेंगे निकाल लेंगे, तो तीन में से एक निकालो क्या बचता है दो। अब सर साइन का इशू आएगा कि साइन कौन सा आएगा, ये प्लस है ये माइनस है, कौन सा साइन आएगा क्योंकि दोनों साइन मौजूद हैं, तो हम क्या करेंगे जो बड़ी रकम होगी उसका हम साइन लगा देंगे। तो बड़ी रकम क्या हमारे पास ये, तो इसका साइन आ जाएगा ये, क्योंकि आप प्लस लिखते नहीं तो लिहाजा ना भी लिखा हो इस तरह लिखा हो तो वही बात है। अच्छा वन माइनस टू, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास माइनस वन, क्योंकि दो में से एक निकाला एक आ गया साइन कौन सा माइनस का ना, क्यों माइनस का क्यों, क्योंकि बड़ी रकम कौन सी है टू है। अब वन माइनस वन प्लस थ्री तो करेंगे तो हम माइनस, तीन में से एक निकाले कितने बच गए दो, ठीक है, और साइन ये वाला आ जाएगा प्लस का टू, ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है समझ आ गया होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ, कहते हैं सोल्यूशन, क्या सोल्यूशन है वो कि पहले हमने एज इट इज लिखना है माइनस टू वन थ्री। अब इस सी की जगह मैं क्या लिखूँगा ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो सी वन माइनस वन टू, अब ये वाला आ गया प्लस माइनस टू वन थ्री। अब क्या करूँगा कॉरस्पॉन्डिंग कॉरस्पॉन्डिंग के साथ ही आपस में हमेशा ऐड होती हैं या माइनस होती हैं या मल्टीप्लाई होती हैं, ये सॉरी मल्टीप्लाई की बात नहीं कर रहा प्लस और माइनस की, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी है ये माइनस टू, तो हम इधर लिखते हैं वन ये वाला प्लस और ये माइनस टू, देन ये माइनस वन, उसके बाद ये प्लस और ये वन, उसके बाद इसकी कॉरस्पॉन्डिंग ये है तो इसका आ गया टू प्लस थ्री। अब वन प्लस माइनस क्या आता है, जिस तरह हमने इधर ये पढ़ा था प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस टू, माइनस का वन और प्लस का वन ज़ीरो आ गया कट गया, तो इधर हम ज़ीरो लिखते हैं और टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव। अब वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि निकाल लेंगे हम दो में से एक निकालेंगे तो एक आ जाएगा साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम हमारे पास टू है, तो इसके साथ आ गया माइनस माइनस वन जीरो फाइव, ये हमारे पास आंसर आ गया। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट पार्ट क्या है, कहता है कि अगर हमारे पास डी ज़ीरो वन ज़ीरो टू ज़ीरो, ये हमने एज इट इज़ क्वेश्चन लिख लिया, नेक्स्ट पार्ट में हमने स्टेप में क्या करना है कि या इस डी की जगह क्या लिखूँगा ये वाला डी, तो हम इधर कहते हैं कि डी वन टू थ्री, माइनस वन ज़ीरो टू, आगे ये वाला प्लस ज़ीरो वन ज़ीरो टू ज़ीरो वन, ठीक है, हमने डी का लिखा मैट्रिक्स, के बाद ये जो क्वेश्चन दिया था वो लिख दिया, देन उसके बाद क्या है क्रॉस पॉइंटिंग के साथ प्लस या माइनस करवा देनी है, तो अब ऐड करते हैं तो वन ये आ गया प्लस ज़ीरो, आगे टू प्लस वन, आगे थ्री प्लस ज़ीरो, आगे माइनस वन प्लस टू ज़ीरो, ये वाला प्लस और ये ज़ीरो, इस टू की कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी होगी ये वाले टू प्लस, ये आ गया वन। कॉरस्पॉन्डिंग का गेन बता रहा हूँ, अगर किसी को नहीं पता हो तो उसको लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर दिखा दिया जाएगा, लिंक शेयर कर दिया जाएगा,
क्रॉसमोडिंग होती क्या है वहाँ से समझ लीजिएगा, अगर फिर भी समझ नहीं आती कमेंट करके पूछ लीजिएगा। खैर हम इसको ऐड करते हैं तो 1+0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि किसी भी वैल्यू में अगर 0 ऐड करें उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी तरह किसी में से 0 निकाल भेज दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1+0 इज इक्वल टू 1, 2+1 इज इक्वल टू 3, 3+0 इज इक्वल टू 3। इसका आ गया हमारे पास प्लस का 1, मजा एक प्लस एक माइनस तो करेंगे तो माइनस, दो में से एक निकालने एक आ गया, बड़ी रकम के साथ साइन कौन सा है प्लस का, लिखा देते प्लस आ प्लस लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जहाँ प्लस साइन ना लिखा वहाँ मतलब होता है कि वहाँ अगर किसी वैल्यू के साथ साइन ना लिखा तो मतलब क्या होता है प्लस ही लिखा है, मैं बार बार बता चुका आप मुनासिब नहीं होगा बताना। 0+0 इज इक्वल टू 0, तो 2+1 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ तक तो हमारा था ऐड के क्वेश्चंस, ऐड या माइनस करना था। अब हमने नेक्स्ट जो पार्ट 5 है इस क्वेश्चन का, वो कहता है कि 2a लिखा हो इसने, अब दोनों वैल्यू के दरमियान ये 2 है और ये a है, ठीक है, तो इसके दरमियान कोई साइन नहीं है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करना ही लिखा हुआ। तो जब दो वैल्यू हो इस तरह लिखे कि कोफिशेंट हो, कॉन्स्टेंट वैल्यू हो, एक साथ उसका वेरिएबल हो, तो फिर हमने क्या करना होता है कि अगर उन दोनों के दरमियान कोई साइन नहीं लिखा हुआ तो हमने ये समझना होता है कि उनके दरमियान जो साइन है वो मल्टीप्लाई का है। तो सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये देख लेते हैं आज हम। फिर देखें तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लिया 2a आ गया, अब 2a की जगह हम क्या लिखेंगे, ये वाला a, तो a हमारे पास क्या है -1, 2, 2, 1, ठीक है, ये क्वेश्चन वाला 2 एज इट इज आ गया, a की जगह हमने ये वाला सिमेट्रिक से लिख दिया जो उसने कहा था। अब हमने सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है, जिस तरह आप बाकी आम मैथ में मल्टीप्लाई होता है 2 1 2 2 2 4 जो भी हमारे पास होगा, तो ये 2 पहले स्टेप बाई स्टेप करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, आगे ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, आगे ये 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 2, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1। देखें यहाँ हो रहा था 2 इस a के साथ मल्टीप्लाई होने के मतलब कि a के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं चाहे 100 हो, लाख हो, जितनी मर्जी हो, उस सब के साथ ये 2 मल्टीप्लाई होगा। तो लिहाजा हमने इस 2 को इस चेयरों जो 1, 2, 3, 4 एंट्रीज हैं, 4 वैल्यूज अंदर लिखी है मैट्रिक्स की, सब के साथ हमने मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने ये मल्टीप्लाई करवा दिया, अब इसका सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 2 और प्लस माइनस माइनस आ गया, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2। यहाँ तक तो हमारे हो चुके हैं, मेरे ख्याल से 5 पार्ट हो चुके हैं, उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने जो बाकी पार्ट रह गए हैं वो, तो जी नेक्स्ट हमारे जो पार्ट रह गए हैं 4 पार्ट, वो करते हैं हम सारे आगे जो मल्टीप्लाई वाले हैं, ठीक है। पहले जो तकरीबन 4 पार्ट थे वो थे हमारे प्लस के, ठीक है, बाकी जो पार्ट हैं वो हमारे पास हैं मल्टीप्लाई के। तो वैसे भी हम एक मल्टीप्लाई के पहले पार्ट काट चुके हैं, उम्मीद है उसे समझ आ गई होगी, मज़ीद क्लियर करते हैं। चलिए लिखते हैं सॉल्यूशन, -1 t, ठीक है। अब हमने क्या करवाना है इसको मल्टीप्लाई, तो सर -1, अब p की जगह क्या लिखूँगा ये, तो p की जगह हमारे पास आ गया 1 और -1। सिंपल जो हमने पीछे पार्ट में किया था वो ही कि -1 मल्टीप्लाई बाई 1 और ये -1 मल्टीप्लाई बाई -1, ठीक है। चले अब ये मल्टीप्लाई होंगे तो -1 1 1 आ गया, ये इसके साथ माइनस साइन, इसके साथ कौन सा साइन है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो लिहाजा -1 आ गया, 1 1 1 आ गया, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, माइनस माइनस प्लस होते हैं, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हम चलते हैं सॉल्यूशन, क्या है कि -2c, -2c लिखूँगा 1
माइनस वन टू, माइनस टू वन, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू टू, ठीक है, माइनस टू वन, माइनस टू माइनस वन, माइनस टू और ये टू। अब टू वन था, टू आ गया, ये माइनस ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो टू वन था, टू आ गया, माइनस माइनस प्लस प्लस लिख लीजिए, धीरे टू टू था फोर और प्लस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। अब ये प्लस माइनस क्या होते हैं, मेरे ख्याल से अगर तो समझ आ रही है तो अच्छी बात है, इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो बनाएंगे और मज़ीद क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, उसमें बताऊँगा डिटेल के साथ कि प्लस माइनस किस तरह आते हैं। फिलहाल तो आपको पता चल रहा है कि जब एक माइनस एक प्लस है तो मल्टीप्लाई होती है, साइंस आंसर किस में आता है, माइनस में, ठीक है। दोनों अगर माइनस में हो तो फिर आंसर आता है प्लस में, एक प्लस में एक माइनस में हो तो फिर आंसर आता है माइनस में, ठीक है। खैर नेक्स्ट हम चलते हैं सॉल्यूशन। थ्री डी, थ्री डी हम क्या लिखेंगे, वन टू थ्री, माइनस वन जीरो टू, ठीक है। अब थ्री वन द थ्री, थ्री टू और थ्री थ्री, थ्री माइनस वन, ये थ्री ज़ीरो और ये थ्री, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक हो गया। हमने क्या किया कि थ्री को सारी वैल्यूज एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, तो थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री थ्री, आगे थ्री माइनस वन थ्री ज़ीरो, आगे थ्री टू, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं कि आंसर आता है इसका, तो थ्री थ्री वन द थ्री, थ्री टू द सिक्स, थ्री थ्री द नाइन, थ्री वन द थ्री, ये प्लस का साइन, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, थ्री ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई का आंसर आता है ज़ीरो। अब थ्री टू द सिक्स, हमारे पास ये आंसर सारे निकल आए हैं मेरे ख्याल से, लास्ट क्या आएगा, अच्छा ठीक है। सॉल्यूशन क्या कहता है कि थ्री सी आ गया, तो थ्री सी जो क्या लिखूँगा मैं, ये वाला वन माइनस वन टू, थ्री वन थ्री माइनस वन थ्री टू, आगे थ्री वन द थ्री, थ्री वन द थ्री, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, आगे थ्री टू द सिक्स, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर थ्री ख़त्म हो चुका है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। तो जी हमारा क्वेश्चन नंबर फोर कहता है परफॉर्म द इंडिकेटेड इक्वेशन एंड सिंपलीफाई द फॉलोवर्ड, कहता है कि आपने क्या करना है, आसान नज़र समझाने की कोशिश करता हूँ कि उसने जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं डिफरेंट किस्म के, उसके अंदर उसने इक्वेशन यानी कि अलामतें लगाई हुई हैं प्लस माइनस की, क्या कहता है उसको हल करो, बस करते हैं इसको हल करते हैं सोल्यूशन। तो पहले जो ब्रैकेट, ये देखिए ये ब्रैकेट है हमारे पास, इस ब्रैकेट के अंदर जो सॉल्व, उसको सॉल्व करते हैं, बड़ी सी ब्रैकेट लगाते हैं हम, ये वन ज़ीरो, पहले क्वेश्चन एज इट इज लिखनी है, अच्छा इन दोनों का हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करते हैं हम, वन प्लस ज़ीरो, वन सॉरी ज़ीरो प्लस टू, ज़ीरो प्लस थ्री, वन प्लस ज़ीरो, ठीक है। अब ये एज इट इज़ आ जाएगा, वन 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 ज़ीरो, देन हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड, जो जो ऐड हो रही है सब, तो इधर हम लिख लेते हैं, वन प्लस ज़ीरो वन, ज़ीरो प्लस टू टू आ गया, ज़ीरो प्लस थ्री थ्री आ गया, वन प्लस ज़ीरो वन आ गया,
ठीक है, आगे ये एज इट इज़ फिर आ जाएगा, तो वन 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 ज़ीरो। समझ आ गई उम्मीद है, हमने कुछ नहीं किया, जो पीछे अगर जो पिछले हमने क्वेश्चन किए अगर तो उसकी समझ आ गई है ना कि प्लस किस तरह करते हैं, माइनस किस तरह करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। तो मेरे ख्याल से आगे जितनी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज जो पार्ट क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको समझ आ गए हैं बगैर समझे, अगर तो आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है। क्या करना है, प्लस करना है सिर्फ, और क्रॉस में एंट्रीज आपस में क्या होंगी, प्लस होंगी। अगर इसी क्रॉस में एंट्रीज का कंसेप्ट क्लियर है, होती क्या है, तो फिर तो उसके लिए कोई मसला ही नहीं है। तो अगर नहीं पता तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन पर वो उसको मिल जाएगा। हमने क्या किया, उसने तीन मैट्रिक्स, एक दो तीन, और दो के उसने इर्द गिर्द ब्रैकेट लगा दी। इसका क्या मतलब, पहले इसको हम सॉल्व कर लें, ठीक है, यानी कि इन दोनों की क्या ऑपरेशन क्या है, उसके दरमियान प्लस है, प्लस का साइन है, तो दोनों को प्लस करेंगे। ये हमने इधर प्लस किया, प्लस करने के बाद ये जो साथ लिखते हैं वैसे के वैसे ही लिखते जा रहे हैं। अब ये दो बच गए, इन दोनों को प्लस करते हैं, तो इधर ही प्लस कर लेते हैं, वन प्लस वन, टू प्लस वन, थ्री प्लस वन, वन प्लस ज़ीरो, ठीक है, वन प्लस ज़ीरो। अब इसको इधर ही मैं लिख देता हूँ, आगे लिख दूँ इधर, तो बेटा वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। अगेन समझ लेते हैं ताकि किसी कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। उसने क्या किया कि तीन मैट्रिक्स दिए हैं अलग अलग, एक ये मैट्रिक्स है, एक ये मैट्रिक्स है, और एक ये मैट्रिक्स है। अब वो क्या कहता है कि आपने क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, कि इतना जो बड़ा है इसको छोटा सा कर दो, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि ये देखो ये तीन मैट्रिक्स हैं, तो उसने दो मैट्रिक्स के इर्द गिर्द ये ब्रैकेट लगा दी थी क्वेश्चन के अंदर। अब वो कहता है कि आपने क्या करना है कि आप इस तरह करें कि इसको सिंप्लीफाई करें, तो उस जब ब्रैकेट्स ने लगा दी तो हमारे लिए आसानी होगी, पहले इन दोनों को मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब इसको ऐड किया तो ये तरीका कर दो जिस तरह हम पिछले क्वेश्चन में करते जा रहे हैं, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट आपस में होती है, प्लस, जब प्लस किया तो ये आंसर आ गया, ठीक है। और साथ ये दो मैट्रिक्स था हमारे पास, ये इधर भी एज इट इज़ आ गया, इधर भी एज इट इज़, इधर भी एज इट इज़, ठीक है। अब ये हमारे पास रह गए दो मैट्रिक्स, तो दो रह गए, इन दोनों का हम करेंगे ऐड, तो यहाँ ऐड हमने कर दिया और ये इसका आ गया आंसर। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अपने पार्ट की तरफ चलते हैं, टू की तरफ। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कि आप कहता है कि ये उसने तीन मैट्रिक्स दे दिए कि ये है, कि ये और एक ये है, ठीक है। अब उसने क्या किया कि इन दो मैट्रिक्स के अंदर उसने ब्रैकेट ब्रैकेट से लगा दी। क्या मतलब कि पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मैथ के अंदर जब भी कोई ब्रैकेट आ जाए तो उस पहले ब्रैकेट को सोल्व कर देते हैं, उसके बाद कुछ और करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर दोनों क्या हो रहे हैं, ये पीछे जब तक हमने क्या किया था, प्लस किया, अब तक जितने भी क्वेश्चन किए यहाँ क्या आ गया, माइनस। कोई मुश्किल नहीं है, इस तरह प्लस किया था, इस तरह माइनस कर देंगे, तरीकाकार वही है, सिर्फ प्लस की जगह क्या जाएगा, माइनस कर देगा। तो सोल्यूशन वन ज़ीरो वन प्लस, ये देखो ज़ीरो माइनस वन, टू माइनस वन, थ्री माइनस वन, आगे थ्री माइनस ज़ीरो, ठीक है, तो वन ज़ीरो वन, जीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, थ्री माइनस वन इज इक्वल टू टू, थ्री माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू थ्री, ठीक है। क्या किया मैंने, सिर्फ सिर्फ माइनस किया, ठीक है, करोगे क्रॉस पेंडिंग, क्रॉस पेंडिंग एंट्रीज क्रॉस पेंडिंग के साथ ही प्लस होंगी और माइनस होंगी। देखो जीरो की क्रॉस पेंडिंग किया वन, तो ज़ीरो माइनस वन, तो जीरो माइनस वन, आगे इसकी टू क्रॉस पेंडिंग किया टू की वन, टू माइनस वन,
टू ये वाला माइनस वन ये आ गया इधर, तो थ्री प्लस वन क्या है वन, तो थ्री माइनस वन ठीक है। देन ये ज़ीरो माइनस ज़ीरो, सॉरी इधर ज़ीरो लिखा हुआ था, चल अच्छा हो गया रिपीट करने के लिए, वरना कैसे गलत हो जाना, ज़ीरो माइनस इधर भी फिर क्या आ जाएगा ज़ीरो ठीक है, ज़ीरो माइनस ज़ीरो, तो ज़ीरो माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इन दोनों क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो वन प्लस माइनस वन ज़ीरो प्लस वन ज़ीरो प्लस टू वन प्लस ज़ीरो ठीक है। तो वन प्लस माइनस माइनस वन आ जाएगा, तो वन माइनस वन आगे ज़ीरो प्लस वन तो वन भी आ जाएगा, ज़ीरो प्लस टू टू आ जाएगा, वन प्लस ज़ीरो क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करो, बेशक आप इधर लिख लो, ये लिख देता हूँ मैं कि माइनस वन और प्लस का वन क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा, ये वन ये टू और ये वन ऐसी चीज़ आ गए, आंसर आ गया हमारे पास ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जिसका है थर्ड पार्ट उसकी तरफ चलते हैं, हमारे पास ये आ गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम क्या करना, सोल्यूशन लिखा, अच्छा ये जो आपने क्वेश्चन होता है सोल्यूशन के बाद जो पहला स्टेप होता है एज इट इज़ पूरा क्वेश्चन लिखना होता है, लेकिन अब वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जिस वजह से मैं इस स्टेप को छोड़ रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। अच्छा ये टू थ्री वन प्लस, ये देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तो हमने क्या पढ़ा मैथ के जब ब्रैकेट आ जाए उसको पहले सोल्व करते हैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स क्या करेंगे हम माइनस करेंगे, तो वन इसकी क्रॉस पढ़ने क्या है ये, तो वन वन माइनस टू ठीक है, ज़ीरो माइनस टू ज़ीरो सॉरी टू माइनस टू ठीक है, इसकी क्रॉसपेंडिंग ये है, इसकी क्रॉसपेंडिंग एंट्री ये है, इसकी क्रॉसपेंडिंग ये है। अब हमने जो माइनस हो रहे माइनस कर दिए, जो प्लस हो रहे प्लस कर देने हैं, तो टू थ्री वन ये चाहिए स्पीड में, सही से मुझे कोशिश की अपनी तरफ से, जब वन माइनस टू इज इक्वल टू माइनस, बेटा आ गया वन, इसका आ गया माइनस टू और इसका क्या आ गया ज़ीरो, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का तो दोनों सेम वैल्यू आपस में क्या आ जाएगा ज़ीरो आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगी। तो अब ये देखो दो मैट्रिक्स बच गए हैं, तो दरमियान में क्या प्लस, दोनों को हम कर देंगे प्लस, तो ये इसकी क्रॉसपेंडिंग क्या है ये, तो टू प्लस माइनस टू प्लस माइनस वन थ्री, इसकी क्रॉसपेंडिंग ये है तो थ्री प्लस ये वाला माइनस टू, इसकी क्रॉसपेंडिंग ये है तो वन प्लस ज़ीरो ठीक है। अब टू इधर हम लिखा ही ठीक है, टू प्लस माइनस वन ठीक है, तो टू प्लस माइनस माइनस वन थ्री प्लस माइनस माइनस टू, तो वन प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू वन आ गया, टू माइनस वन इज इक्वल टू वन, थ्री माइनस टू इज इक्वल टू वन और इसका भी वन आ गया ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी, किसी को नहीं समझ आ रही तो मैं बार बार कहता हूँ कि कमेंट करके बिना झिझक पूछ लेगा, इंशाल्लाह उसका जवाब ज़रूर मिलेगा। ये था हमारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन, आगे तीन मिनट से दो ये पार्ट रह गए हैं, दो पार्ट रह गए, तो इंशाल्लाह ये ख़त्म करते हैं एक्सरसाइज सॉरी क्वेश्चन ख़त्म करते हैं। पार्ट हमारे पास फोर है, कहता है कि हम दोनों का हमने प्लस करना है, देखो प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस करते हैं सॉल्यूशन। मैं अगेन कह रहा हूँ कि पहला स्टेप क्या होता है कि आपने एज डी क्वेश्चन लिखना होता है, लेकिन फिलहाल हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए, तो इसकी क्रॉसपेंडिंग क्या है वन, तो वन प्लस वन टू प्लस वन थ्री प्लस वन माइनस वन प्लस टू आगे माइनस वन प्लस टू आगे माइनस वन प्लस टू ठीक है, समझ आ रही है ना, ज़ीरो प्लस थ्री वन प्लस थ्री
टू प्लस थ्री, ठीक है। नेक्स्ट मैं इधर करवा देता हूँ, वन प्लस वन इज इक्वल टू टू, टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री, थ्री प्लस वन इज इक्वल टू फोर, वन माइनस वन प्लस टू इज इक्वल टू वन, क्योंकि दो ऑपोजिट साइन आ गए हैं तो करेंगे हम माइनस, ठीक है, लेकिन साइन बड़ी रकम का है तो ये आ गया, तो माइनस वन प्लस टू इसका भी आ गया वन, इसका भी आ गया वन, और ज़ीरो प्लस थ्री इज इक्वल टू थ्री, वन प्लस थ्री इज इक्वल टू फोर, टू प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इन दोनों को ऐड किया। अब इतनी इजी क्वेश्चन है, आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आएंगे, वरना जितने मर्जी समझ लो कभी नहीं आएंगे, याद रखना। बस जो नेक्स्ट पार्ट है ये हमारे पास आ गया, क्या करना, प्लस वन प्लस वन, टू प्लस ज़ीरो, थ्री प्लस माइनस टू, टू प्लस माइनस टू, थ्री प्लस माइनस वन, वन प्लस ज़ीरो, थ्री प्लस ज़ीरो, वन प्लस टू, टू प्लस वन माइनस का, वन प्लस वन टू, टू प्लस ज़ीरो टू, थ्री प्लस माइनस माइनस, तो थ्री माइनस टू इज इक्वल टू आ गया वन, टू माइनस इस ज़ीरो आ जाएगा, इसका टू आ जाएगा, इसका वन आ जाएगा, इसका थ्री आ जाएगा, इसका थ्री आ जाएगा, इसका टू सॉरी वन आ जाएगा, ठीक है। मैंने एक स्टेप छोड़ दिया, आप खुद कर लेना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह हाफ़िज़।